डंक मारती हैं तो ये मर क्यों जाती हैं एक ही दिन में? फाइबर के परत में ये इसका डंक फंस जाता है। दिल निकाल के दे दें किसी को, अबे यार वो वाला नहीं, ये जो धड़क रहा है गुर्दा हार्ट, यार ये दिल निकाल के देने वाला, उससे तो क्या नहीं होता, उससे जीवित रहते हैं, बेचैनी होती है। आज का टॉपिक जो है वो क्या है, मधुमक्खी है। तो मधुमक्खी जो होती है जब ये डंक मारती है, जहाँ पे डंक मारती है वहाँ की स्किन स्वाइलिंग क्यों हो जाती है, वहाँ की स्किन में स्वाइलिंग क्यों हो जाती है। दूसरी बात ये होती है जो मधुमक्खी के डंक में कौन सा जहर पाया जाता है। तीसरी बात ये जो जब डंक मारती है तो ये मधुमक्खी डंक मारने के बाद में मर क्यों जाती है, ओके। और मधुमक्खी का जीवन काल कितना होता है, ये बात आज इस वीडियो में इसी के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। मधुमक्खी हमको जब डंक मारती है तो उसके अंदर से क्या निकलता है, जहर। क्या निकलता है, जहर निकलता है। अब ये जो जहर होता है ये कौन सा जहर होता है, फार्मिक अम्ल होता है। कौन सा, फार्मिक अम्ल होता है, फार्मिक अम्ल होता है। तो ये जो जहर होता है, फार्मिक अम्ल होता है, ये उतना नुकसानदायक नहीं होता है, सिर्फ क्या करता है, हमारी स्किन को स्वेलिंग कर देता है वहाँ के उस जगह पे, और ज़्यादा दर्द मतलब किसी किसी को ज़्यादा होता है, किसी किसी को कम होता है। अब बात करते हैं जब आपको डंक मार देती है तो इसका उपचार क्या होता है। उपचार गाइस जो होता है वो क्या होता है, साबुन। घरेलू उपचार जो है साबुन, साबुन जो है आप कोई भी साबुन ले लीजिए नहाने वाला, उसको उसको क्या करिए, पानी में भिगा के जहाँ पे डंक मारा हो उसके चारों तरफ बढ़िया से उस पर पूरा लगा दीजिए, एक मोटी सी परत बना दीजिए साबुन की, और इसको छोड़ दीजिए उसे। तो क्या होगा, आपकी स्किन में स्वाइलिंग नहीं होगा, दूसरी बात, और ज़्यादा दर्द भी नहीं करेगा, ठीक हो जाएगा, ओके। अब बात करते हैं, ये तो हो गया कि इसके बारे में डंक के मारने पर स्किन स्वाइलिंग क्यों होती है। अब बात करते हैं मधुमक्खी का जीवन काल कितना होता है। जीवन काल, जीवन काल वैसे तो इन मधुमक्खियों का 30 से 60 डेज यानी कि 30 से 60 दिनों का इसका जीवन काल होता है मधुमक्खियों का, ओके। तो अब बात करते हैं जब ये डंक मारती हैं तो ये मर क्यों जाती हैं एक ही दिन में। तो इसका मुख्य रीज़न ये होता है कि मधुमक्खी का डंक हो गया और ये हमारी हो गई स्किन। क्या हो गई, स्किन, इसको बोलते हैं चमड़ा, और ये हो गया डंक, ओके, ये डंक हो गया। अब देखिए, मान लीजिए जैसे मधुमक्खी हमारे हाथ में घुस गई, मधुमक्खी ने हमारे हाथ में डंक मारा या हमारी स्किन पे डंक मारा, तो हमारा जो स्किन है ये कितने भागों में बांटा गया है, 7 भागों में। कितने, 7 परत होते हैं। कितने परत, 7 परत होते हैं हमारे स्किन के। इसी में एक परत होता है फाइबर का। किसका, फाइबर का, फाइबर का एक परत होता है, उसी फाइबर के परत में ये इसका डंक फंस जाता है, इसका डंक फंस जाता है। जब ये डंक फंस जाता है तो ये मधुमक्खी इसे इतना जो लगा एकदम खींचती है बाहर को। हाँ, अब तो मार दिए हैं, डंक घुस गया तो जहर निकल गया, जहर निकल गया है तो हम इसको अपने डंक को निकाल के फिर से उड़ जाएं। तो ये क्या करती है मधुमक्खी, अपना पूरा बल लगाती है, खींचती है, अबे निकल निकल, लेकिन ये साला क्या होता है, जो इसके अंदर में फाइबर होता है ये सारे डंक को पकड़ लेता है, निकलने ही नहीं देता। अब आप सोचेंगे यार ये फाइबर आता कहाँ से है हमारे बॉडी में। गाय जितने भी अनाज खाते हैं, वो अनाज में फाइबर होता है, जो भी खाते हैं सब में फाइबर होता है। सेब देखे हो, सेब के ऊपरी छिलके के ऊपर जो होता है वो फाइबर होता है, ओके। गेहूँ, गेहूँ का जो ऊपरी छिलका होता है वो भी फाइबर होता है। आप गेहूँ को ले जाते हैं चक्की पे पिसाने के लिए, पिसाने के बाद में जब आटा लेके आते हैं उसको छलनी से छानते हैं, उसके बाद में जो ऊपर से चोकर निकलता है वो फाइबर ही होता है, ओके। तो जब हम फाइबर खाते हैं तो हमारे बॉडी में भी फाइबर हो जाता है। तो फाइबर पचाना इतना आसान नहीं होता, इसलिए जो है चोकर से मतलब छन्नी से चोकर चाल के बाहर निकाल जाता है, ओके। तो क्या होता है, फाइबर इस डंक को कस के पकड़ लेता है। जब डंक को कस के पकड़ लेता है तो ये मधुमक्खी अपना पूरा बल लगा के खींचती है बाहर को, निकले निकले निकले, लेकिन ये सारा छोड़ता ही नहीं, छोड़ता नहीं तो क्या करता है, ये डंक को इसे पकड़े रहता है, और वो डंक यहाँ से फट जाता है, डंक यहाँ से फट जाता है। अब डंक फटने की वजह से क्या होता है गाइस, यहाँ पे जो इसके ऑर्गन्स होते हैं, जैसे दिल हो गया, फेफड़ा, गुर्दा, आँत फात, लीवर, सीवर, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इसी डंक के साथ में जुड़ी रहती हैं। अब ये खींच लेती हैं, बाहर निकल जाती हैं, मतलब कि
मधुमक्खी के अंदर से कुछ ऑर्गन्स जो उसके मुख्य ऑर्गन्स रहते हैं जीवित रहने के लिए, वो टूट जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकल जाते हैं तो मधुमक्खी का जीवन ख़त्म हो जाता है वहीं पर। जैसे कि अगर हम लोग अपना दिल निकाल के दे दें किसी को, अबे यार वो वाला नहीं, ये जो धड़क रहा है गुर्दा हार्ट, ये निकाल के बाहर रख दें तो हम जीवित रहेंगे? अबे यार ये दिल निकाल के देने वाला, उससे तो क्या नहीं होता, तो जीवित रहते हैं, बेचैनी होती है बस। ओके लेकिन अगर आप हार्ट कोई काट के निकाल देंगे तो हम जीवित रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे, क्योंकि खून ब्लड पंपिंग नहीं होगा तो हम जीवित कैसे रहेंगे? अगर फेफड़े को हम दोनों ब्लॉक कर दें, जीवित रहेंगे? नहीं रहेंगे। आँखों को दोनों निकाल दें, हमें दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। तो वैसे ही इनका कुछ ऑर्गन्स निकल जाता है और ये मर जाती हैं। तो ये छोटी जानकारी होगी मधुमक्खी के बारे में। तो मैं ऐसा करता हूँ, आपकी वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, दोस्तों में शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।